सब्सक्राइब करो ऑटोमेशन विद आशीष चैनल को लेटेस्ट ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े रहने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेल, आज एक बार और मैं आपके लिए ये मिनी एसी लाया हूँ। दोस्तों, मैंने इसके वर्किंग का डिटेल वीडियो अभी रिसेंटली बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन या ऊपर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। ये कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर कम मिनी एसी है, क्योंकि ये ठंडी मिस्ट के साथ ही पावरफुल टर्बो फैन के साथ आता है। इधर उधर की बातों को कैंसिल करके मैं आज आपको इसके 3 यूनिट्स और उनके फंक्शंस अलग अलग और डिटेल में बताने वाला हूँ। वेल, अगर आप इस मशीन के बारे में परचेस इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक से कांटेक्ट करो। कैसा है कि गर्मी अब बढ़ रही है और लोग कूलर लगा रहे हैं, तो मैंने लास्ट वीडियो खास कूलर के शॉक से कैसे बचना है उस पर बनाया है, वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना दोस्तों। कूलर की ठंडी हवा के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है। सो गाइज, ये मिनी एसी एक्चुअल में एक लैन केबल रिमोट के साथ आता है, जिसमें एक नॉब है कूल मिस्ट के डेंसिटी का और एक नॉब है टर्बो फैन के स्पीड का। अब गाइज, इस कूलर को डिसअसेंबल करते हैं। ये पिन डिटैच करके सिंपली इस टर्बो फैन यूनिट को लिफ्ट करके निकाल दिया। अब इस वाटर टैंक को एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर निकाल दिया। सो गाइज, इस मिनी एसी में टोटल 3 यूनिट्स हैं। पहला है ये वाटर टैंक यूनिट, ये है कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर यूनिट और ये है टर्बो फैन यूनिट। सो वन बाय वन तीनों यूनिट को स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस वाटर टैंक यूनिट को। एज नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, इस यूनिट का यूज वाटर स्टोरेज के लिए किया जाता है। पानी अंदर डालने के लिए इस कैप को ओपन करना होता है। पानी डालता हूँ इसके अंदर में। कैप वापस लगा दी। दोस्तों, ये एक लीक प्रूफ डिजाइन है। यू कैन सी इतना मूव करने के बाद एक भी वाटर ड्रॉप बाहर नहीं गिरा है। तो आखिर इस यूनिट का यूज क्या है? सो गाइस, यहाँ एक छोटा वॉल्व है जो प्रेस होते ही इस टैंक के अंदर के पानी को ह्यूमिडिफायर यूनिट में डालता है, यानी सेकेंड यूनिट में डालता है। ये देखो, तो इस टैंक का फंक्शन है पानी स्टोर करके रखना और उस पानी को नीचे की यूनिट में ट्रांसफर करना। इस यूनिट में ये होल कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर को ऊपर जाने के लिए दिया हुआ है। सो दिस वाज द फर्स्ट वाटर टैंक यूनिट। सेकेंड यूनिट है मेन मिस्ट मेकिंग यूनिट। यहीं पर कूल मिस्ट बनती है और ऊपर आती है। ये वो मैकेनिज्म है दोस्तों जो वाटर टैंक के उस वॉल्व को ओपन एंड क्लोज करता है। ये पोजीशन मतलब वॉल्व ओपन और ये पोजीशन मतलब वॉल्व क्लोज। दिस इज जस्ट अ सिंपल फ्लोट स्विच मैकेनिज्म। ये रेड कंटेनर है जिसमें आप कोई परफ्यूम लिक्विड डाल सकते हो, यू नो, फॉर परफ्यूम स्प्रे। और ये है अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है मिस्ट को। यहाँ एक सॉकेट है 30 वोल्ट पावर अडाप्टर का, एक लैन रिमोट कंट्रोलर का और एक टर्बो फैन यूनिट का। सबसे पहले पावर अडाप्टर को लगा देता हूँ मैं। चलो इसमें पानी भरकर फाउंटेन बनाते हैं। फ्लोट स्विच को ऑब्जर्व करना दोस्तों, जैसे ही पानी भरता है वैसे ही ये साइड ऊपर आ जाती है। सो अब ये ब्लू नॉब विच इज फॉर कूल मिस्ट, उसे ऑन करते हैं। ये देखो गाइस, मिनी फाउंटेन और मिस्ट भी है, आप देख सकते हो। जैसे जैसे मैं नॉब घुमा रहा हूँ, दैट इज वो इंक्रीज कर रहा हूँ, वैसे वैसे फाउंटेन की साइज और मिस्ट की डेंसिटी बढ़ रही है। कूल राइट? अब ऐसी कौन सी चीज है जो इस मिस्ट को इतने फोर्स में ऊपर भेजती है? तो वो है हवा। जी हाँ दोस्तों, जो पिलर आपको यहाँ दिख रहा है उसमें से एक्चुअल में हवा आती है। ये देखो,
यहाँ इस यूनिट के नीचे एक इनटेक फैन है जो हवा अंदर लेके इस नोजल के जरिए मिस्ट को ऊपर जाने में हेल्प करता है। दिस इज प्रीटी ऑसम। सो ये था सेकेंड यूनिट के बारे में। नाउ दिस इज द थर्ड यूनिट, ये है टर्बो फैन यूनिट। दोस्तों इस यूनिट के दो काम है, पहले ये कूल मिस्ट को इस जगह से ऐसे घुमाकर इसके अंदर से बाहर निकालता है। सेकेंड ये फैन का आउटलेट है जहां से हवा टर्बो फैन की बाहर आती है। डायरेक्शंस आप यहां से चेंज कर सकते हो हवा की, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। ये एयर इनलेट है, ये है इसकी कनेक्टिंग पिन जहां ये सेकेंड मीन्स बॉटम यूनिट से कनेक्ट होता है। दो मैग्नेट्स है इसमें जिससे ये फर्मली नीचे के यूनिट से चिपक जाता है। सो दोस्तों ये थे इसके तीन यूनिट्स एकदम डिटेल में। तीनों यूनिट्स को वापस लगा देते हैं, पानी डालते हैं और इस मिनी एसी को ऑन करते हैं। फैन का स्पीड आप देख सकते हो, फुल स्पीड पर काफी ज्यादा आवाज आती है। तो दोस्तों आपको ये मिनी एसी का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल होंगे तो उन्हें भी हमें कमेंट करके पूछना। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। पर्सनल इंक्वायरी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें डीएम कर सकते हैं, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके सवाल डाउट्स या सुझाव हमें कमेंट्स करें, हम पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।